पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के चोड़ा भंडार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब गरजे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने निशाने पर लिया। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आपके इस चौकीदार ने एक बहुत बड़ा अभियान सफाई का चलाया है। गरीब किसानों मध्यम वर्ग से जुड़ी योजनाओं का जो पैसा खा जाते थे, अब उनकी दुकानें बंद हो गई है। देश का सबसे शक्तिशाली नामदार परिवार भी आज टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में अदालत के चक्कर काट रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ममता ने पश्चिम बंगाल की माटी को बदनाम कर दिया है और मानुष को मजबूर कर दिया है। घुसपैठिए, सिंडिकेट, गुंडों, चिटफंड के जरिए गरीब जनता को लूटने वालों की संरक्षक बन गई है ममता सरकार। साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन को रोकने के लिए, कुछ बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने रेरा कानून बनाया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से घबरा रही है। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो अब जो नए फ्लैट नए घर बिल्डर बना रहा है वो उन्हें तय समय पर बनाकर देने पड़ेंगे। कोई भी काम कच्चे पक्के में नहीं होगा। इस कच्चे पक्के के खेल में जो लॉबी जुटी हुई है उसकी ममता दीदी की सरकार में क्या अहमियत है वो आप भी भलीभांति जानते हैं। ये चिटफंड हो, शारदा हो, पेंटिंग हो, सारे तार एक ही दरवाजे पर जा रहे हैं। शारदा रोजवेली से पीड़ित लगभग इन दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत पर ममता कभी धरने पर नहीं बैठी, लेकिन लुटेरों को बचाने वाले अफसर के लिए संवैधानिक संकट उत्पन्न कर धरने पर बैठ गईं। एक साथ तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम माँ बहनों के लिए कानून के पक्ष में खड़ी होने से साफ साफ वे इनकार कर रही। चाय के लिए प्रसिद्ध उत्तर बंगाल के बंद बागानों को चाय वाले ने खुलवाया तो दीदी यानी ममता चाय वाले से ही चढ़ने लगी। आखिर क्यों? भाई और बहनों, आपके इस चाय वाले ने अच्छे अच्छों की ये काली कमाई और गोरख धंधे बंद कर दिए हैं। भाई और बहनों, मुझे जो ये पानी पी पी करके कोसा जाता है, गालियां दी जाती है, उसकी वजह यही है। ममता सरकार घुसपैठियों का स्वागत करती है लेकिन भाजपा नेताओं को रोकती है। हेलीकॉप्टर उतारने में आनाकानी और कार्यकर्ताओं पर हमले तृणमूल की जमीन खिसकने के संकेत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हर वह व्यक्ति मोदी से डर रहा है जो भ्रष्ट है। अब लुटेरों को विदेश से भी पकड़ कर लाया जा रहा है। साथियों, देश को लूटने वालों को जो पहले मौज में थे, बड़े बड़े रक्षा सौदों में दलाली खाकर विदेश भगा दिए गए थे, ऐसे लोगों को उठा उठाकर भारत लाया जा रहा है और उनसे हिसाब लिया जा रहा है। शारदा रोजवेली तथा नारद के ठगों को चौकीदार छोड़ेगा नहीं। लुटेरे जितने भी नेता जुटा ले, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मोदी ने कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं राज्य में अराजकता है, दिल्ली में मिस्टर वाड्रा के साले साहब को यह नहीं दिखता है। कुल मिलाकर मोदी द्वारा जबरदस्त तरीके से ममता सरकार पर हमला किया गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.